हाय गाइस, वेलकम टू फिजियो मोम एंड बेबी. माय नेम इज़ मीरल. आज मैं आप सब लोगों के साथ एक ऐसा पॉइंट डिस्कस करने वाली हूँ जिसके बारे में जनरली 90-95% ऑफ द पेरेंट्स वरी करते हैं कि उनका बच्चा हेल्दी है कि नहीं है. हम जनरली बेबी के हाइट और वेट के हिसाब से, उसका ग्रोथ कितना हो रहा है उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि आपका बेबी कितना हेल्दी है. बट मेडिकल फील्ड में BMI के अकॉर्डिंगली बेबी का ग्रोथ और बेबी हेल्दी है कि नहीं वो डिसाइड किया जाता है. तो पहले जानते हैं कि ये BMI क्या है. BMI बेसिकली इज़ बॉडी मास इंडेक्स. उसका मतलब ये होता है कि बेबी का हाइट और वेट का जो रेशियो होता है उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि बेबी आपका अंडरवेट है, हेल्दी है, ओवरवेट है या ओबेस है. सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर BMI, वेट अपॉन हाइट स्क्वायर. हाइट यहाँ पे हमें मीटर में लेनी है और वेट जो है वो हमें किलोग्राम में लेना है. तो पहले मैं दिखा देती हूँ कि वेट और हाइट को कैसे मेजर करते हैं और उसके बाद एक एग्जांपल के साथ हम देखते हैं कि कैलकुलेट उसको कैसे करते हैं. सो जैसे कि अभी आपने BMI के फॉर्मूला में देखा, BMI को कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए होगा बेबी की हाइट और बेबी का वेट. तो वेट कैलकुलेट करने के लिए यू कैन यूज़ एनी काइंड ऑफ डिजिटल वेइंग मशीन. सिर्फ हमें ध्यान दो बात का रखना है कि उसको हमें फ्लैट सरफेस पे नीचे रखना है और स्टार्टिंग पॉइंट उसका 0 किलोग्राम होना चाहिए. और दूसरा जो हमें पॉइंट ध्यान में रखना है वो है कि उसके हमें बेबीज़ के शूज़ जो है वो रिमूव कर देने हैं और कोई भी हैवी क्लोथ्स बेबी ने पहने हुए हैं, या तो हुडीज है, हैवी जैकेट्स हो गया, कोई भी वो हमें रिमूव कर देना है. जो रेगुलर जितने भी लाइट क्लोथ्स हो सके उतना ही हमें बेबी को पहना के उसका वेट करना है ताकि हमें एक्चुअल वेट बेबी का पता चल सके. सो सेकेंड कंपोनेंट दैट वी नीड फॉर द BMI कैलकुलेशन इज बेबीज़ हाइट. तो हाइट मेजर करने के लिए उसका रेडीमेड स्केल आता है. अगर आपके पास वो है तो दैट इज़ वेल एंड गुड. अगर नहीं है तो सिंपली आपको अपने बच्चे को वॉल के सपोर्ट पे इरेक्ट खड़ा रखना है और उसके सिर पे यहाँ पे एक स्केल रख के उस स्केल के दूसरे एंड को वॉल जो पीछे है उसके सपोर्ट पे रखना है. जहाँ पे भी वो स्केल टच हो रही है उस पॉइंट को आपको पेन या पेंसिल से मार्क कर देना है और फिर मेजर टेप लेके यू हैव टू कैलकुलेट बेबीज हाइट. तो अब मैं एक एग्जांपल के साथ आपको दिखाती हूँ कि BMI को कैसे कैलकुलेट करते हैं. जैसे मैंने दिखाया वेट और हाइट को कैसे मेजर करते हैं, उस तरह से हमने फॉर एग्जांपल बेबी का वेट लिया है 22.8 kgs और मीटर में बेबी की हाइट है 1.25. सो यहाँ पे उसका हमें स्क्वायर करना है तो वो आ रहा है 1.56. अभी जो बेबी का वेट है 22.8 उसको हमें डिवाइड करना है विथ हाइट स्क्वायर, दैट इज़ 1.56. तो कैलकुलेटर की मदद से मैंने कैलकुलेट किया तो बेबी का BMI यहाँ पे आ रहा है 14.6 kg/m². सो दिस इज़ द यूनिवर्सल चार्ट जो आपको ऑनलाइन कहीं पे भी मिल जाएगा. गूगल करके यू कैन डाउनलोड इट. और ये चार्ट के हिसाब से ही हमें आफ्टर कैलकुलेटिंग द BMI पता चलेगा कि हमारा बेबी कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है, वेदर ही और शी इज़ अंडरवेट, हेल्दी है, ओवरवेट है कि ओबीज है. पहले मैं आपको ये चार्ट समझा देती हूँ. ये जैसे कि आप राइट साइड पे ये देख रहे हैं और लेफ्ट साइड पे दैट इज़ BMI यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं दैट इज़ बेबीज एज. अब ये जो ब्लू लाइन्स यहाँ पे दी गई है दैट इज़ फॉर द पल्स परसेंटाइल्स. ये देखिए 5, 10, 25, 50, 75, 85, 90 एंड 95. तो इसके कलर के हिसाब ये आप अच्छे से देख पा रहे हैं. यहाँ पे चार कलर पे डिवाइड कर दिया गया है. ये 5 परसेंटाइल है इसके बिलो का है दैट इज़ फर्स्ट कैटेगरी. 5 to 85th है दैट इज़ द सेकेंड कैटेगरी. 85th to 95 बता रहा है परसेंटाइल दैट इज़ द थर्ड कैटेगरी. एंड द फोर्थ कैटेगरी इज़ फॉर द अबोव 95 परसेंटाइल. ये जो अबोव 95 परसेंटाइल जो है कैटेगरी, वो बच्चे अगर कोई भी बच्चा इस कैटेगरी में आ रहा है तो वो होगा ओबीस. 85 to 95 के बच्चे आएंगे ओवरवेट. 5% to 85% वाले बच्चे आएंगे हेल्दी, जो नॉर्मल बच्चे हैं. और 5 से बिलो अगर किसी का BMI आता है, परसेंटाइल आता है, तो वो बच्चा होगा अंडरवेट. अभी ये इसमें जो एग्जांपल दिया है वही मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ. ये बेबी की एज है सपोज़ 8 इयर्स और उसका BMI हमने कैलकुलेट किया तो आ रहा है 18. तो ये 18 से हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है और एज से एक
वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, और ये वो जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है वो कौन से परसेंटाइल में फोल्ड कर रहा है, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो कहाँ पे फोल्ड कर रहा है, कौन से परसेंटाइल पे, वो हमें देखना है। सो यहाँ पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है जो दिखा रहा है 85। सो दैट इज़ हेल्दी नॉर्मल बेबी है, और यू कैन ऑल्सो कंसिडर इट एज बॉर्डर लाइन, 85 परसेंटाइल आ रहा है इसमें। सो फर्स्ट स्टेप BMI कैलकुलेट करना, वो हमने कर दिया। सेकंड था उसको इंटरप्रेट करना, BMI के अकॉर्डिंगली बच्चा कौन से कैटेगरी में फॉल कर रहा है, वेदर ही और शी इज नॉर्मल, ओवरवेट है, ओबेस है, या तो अंडरवेट है, वो भी हमने सेकंड स्टेप में कर लिया। द थर्ड स्टेप इज अब आगे क्या करना है, अगर बच्चा ओवरवेट है तो कौन से स्टेप्स लेने हैं, ओबेस है तो कौन से स्टेप्स लेना है, और अगर अंडरवेट है तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, अभी वो देखते हैं। अगर आपका बेबी ओवरवेट या तो ओबेस कैटेगरी में आ रहा है तो हमें हेल्थी बैलेंस्ड डाइट हमें खाने के लिए उसको एंकरेज करना पड़ेगा। जंक फूड है, पैकेट्स फूड है, वो हमें स्लोली स्लोली रिड्यूस कर देना है। कोई भी बाहर की चीज़ उसे खाने की टेम्पटेशन हो रही है, पिज़्ज़ा हो गया, हॉट डॉग हो गया, बर्गर, कोई भी चीज़, तो वो सेम चीज़ हमें घर पर बना के उसको खिलानी चाहिए, ताकि यू कैन मेक इट अ हेल्थियर डाइट। सेकेंड थिंग जो हमें ध्यान रखनी है वो है एक्सरसाइज। कोई भी काइंड, कोई भी टाइप की आपको उसको फिजिकल एक्टिविटी डे टू डे में उसको इंट्रोड्यूस करनी है, लाइक साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, कोई भी आउटडोर स्पोर्ट्स में आप उसको एक्टिवेट कर सकते हो, तो दैट विल ऑल्सो इंक्रीज इन फैट बर्निंग। अगर आपका बेबी नॉर्मल कैटेगरी में है तो हमें कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी वो खा रहा है, जो भी उसकी एक्टिविटी है, दैट इज़ परफेक्ट। नॉर्मल कैटेगरी में आपका बेबी आ रहा है तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, जो भी फूड चार्ट आप फॉलो कर रहे हो, फूड पैटर्न फॉलो कर रहे हो, और फिजिकल एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटी, वो हमें सेम टू सेम रखनी है। अगर आपका बेबी अंडरवेट कैटेगरी में आ रहा है तो बेसिकली यू हैव जस्ट इंट्रोड्यूस मोर ऑफ प्रोटीन इन हिज डाइट, और जो फुल फैट डाइट होता है, फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स आप उसको दे सकते हो, चीज़ हो गया, पनीर हो गया, हेल्दी फैट्स हो गया, वो उसको आपको देना है। सो बेसिकली दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, अगर ओवरवेट या तो ओबेस है तो हमें लो फैट डाइट देना है, अगर अंडरवेट है तो प्रोटीन और हाई फैट, मोर फैट वाला उसको फूड इंट्रोड्यूस करना है। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस मैटर के रिलेटेड तो आप विदाउट हेसिटेशन अपने पीडियाट्रिशियन के साथ बात कर सकते हैं, पूरा मैटर उनके साथ डिस्कस कीजिए, और दे कैन ऑल्सो गाइड यू इन दिस। सो आई होप कि इस वीडियो से मैं आपके कुछ सवालों के जवाब दे पाई हूँ। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।